दुनिया में लोग पता नहीं क्या क्या कर गुजरने की तैयारी कर रहे हैं, मगर हमारा पड़ोसी मुल्क बरसों बरस से ऐसी साजिश की सुरंग खोदने में व्यस्त है। दुनिया जब कोरोना की वैक्सीन बनाने में व्यस्त है तो पाकिस्तान सुरंग बनाने में लगा है। मगर पाकिस्तान इस सुरंग का इस्तेमाल कर पाता उससे पहले सुरंग को तलाश लिया गया। सांबा एरिया में पाकिस्तान की तरफ से कोई टनल जो है वो खुदी हुई है, इसको लेके हमने कुछ एक स्पेशल टीम्स जो है वो ग्राउंड के ऊपर काम कर रही थी और उनमें से एक टीम ने कल शाम को बॉर्डर के 150 गज के अंदर एक टनल को ढूंढ निकाला। मतलब पाकिस्तान के पालतू आतंकियों ने जितना कुदाल चलाया उस पर हमारे बीएसएफ के जाबाजों ने पानी फेर दिया। बताओ, खून पसीना एक एक करके पाकिस्तान ने अपने आतंकवादियों की घुसपैठ के लिए अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर से भारत की ओर करीब 170 मीटर ये सुरंग बनाई, मगर मामला गड़बड़ा गया। ये टनल करीब 150 गज है, पाकिस्तान की तरफ से आ रही है और इंडिया में पहुंचने पर इसकी करीब गहराई जो है वो 20 से 25 फुट ग्राउंड के नीचे है। इसका जो मुंह है वो कम से कम 2 फुट बाई 2 फुट गाया का खुल रहा है और उसके मुंह के ऊपर प्रॉपरली सैंड बैग के साथ में इसको रीइंफोर्स किया हुआ है। उन सैंड बैग्स के ऊपर जो मार्किंग है वो पाकिस्तान की है, जिसके ऊपर कराची लिखा हुआ है, चक्रगढ़ लिखा हुआ है। सुरंग को देखकर लगता है कि इसे कुछ रोज पहले ही बनाया गया है। यहाँ मिली रेत की बोरियों में शकरगढ़ कराची लिखा है। जिस तरह से सुरंग को बनाया गया उससे लग रहा है कि सुरंग बनाने में पाकिस्तानी सेना का हाथ हो सकता है। संभव है इसे आतंकियों की घुसपैठ, नशीले पदार्थों और हथियारों की तस्करी के लिए इस्तेमाल करने की साजिश रही है। ये इंडिकेट होता है कि ये टनल जो है ये पाकिस्तान से शुरू हुई है, यहाँ तक आके खत्म हुई है और इसमें इतनी बड़ी टनल खोदने में कहीं ना कहीं एस्टेब्लिशमेंट का, पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट का जरूर हाथ है और उनका नॉलेज है। आपको बता दें कि बीएसएफ ने अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सुरंग खोजने का एक बड़ा अभियान चलाया है। पाकिस्तान से लगने वाली करीब 3,300 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की सुरक्षा की जिम्मेदारी बीएसएफ के हाथों में है और बीएसएफ पाकिस्तान की किसी भी साजिश को नाकाम करने के लिए हमेशा तैयार है। जम्मू से सुनील जी भट्ट के साथ आज तक ब्यूरो।